वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटिड एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल विद डिफरेंट अजाम्पन्स एंड वी डिड पॉलिसी अनालिस इन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल और फ्रेमवर्क और डिफरेंट अजाम्पन्स के साथ हमने उस मॉडल के अंदर बड़ी डिटेल में ये देखा कि पॉलिसी इफेक्टिव हो सकती है इनफेक्टिव हो सकती है स्टेबिलाइजेशन पॉलिसी इफेक्टिव है या इफेक्टिव uh, नहीं है जबकि दूसरी तरफ हमने एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी को भी देखा कि वो इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है अब हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कब से ज्यादा डिटेल में पॉलिसी की इफेक्टिवनेस और उसके चैनल्स को डिस्कस करता है पॉइंट मेरा यह है कि जब आप एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई फ्रेमवर्क पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम कुछ तो यह आइडिया लेते हैं कि यह इफेक्ट क्यों हो रहा है जैसे हम कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कब राइट साइड पे शिफ्ट हो गया या एग्रीगेट सप्लाई कब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया या कोई भी कर्व किसी तरफ भी शिफ्ट होता है तो हम उसकी रीजन जरूर देख रहे होते हैं लेकिन उसमें जब हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई टाइप मॉडल की बात करते हैं तो वहां एक एग्रीगेट लेवल पे हम देख रहे होते हैं कि किसी भी एक चैनल की वजह से पॉलिसी इफेक्टिव है या पॉलिसी वो चैनल वर्क नहीं करता तो इन इफेक्टिव है अब हम जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं वो एक उससे एक स्टेप आगे का टॉपिक है क्योंकि इसमें हम बात करें ट्रांसमिशन मैकेनिज्म तो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या होता है और ये टॉपिक क्या है इस पे अब हम डिस्कस करते हैं और फिर अगले कुछ लेक्चर्स हम इसी टॉपिक के ऊपर कंटिन्यू करेंगे सबसे पहले पॉलिसी मेकर जो है वो ये जानना चाहेगा कि किस टाइप की वो पॉलिसीज अडॉप्ट करे तो आउटपुट की फ्लक्चुएशन कम हो सकती है या प्राइसेस और इन्फ्लेशन रेट की फ्लक्चुएशन कम हो सकती है हमने ये पिछले मॉडल्स में देखा एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी से आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहेंगे आउटपुट स्टेबलाइजेशन की पॉलिसी से आप आउटपुट की फ्लक्चुएशन कम करना चाहेंगे इसका मतलब यह है कि पॉलिसी मेकर को यह जानना जरूरी है कि अगर उसने आउटपुट की स्टेबलाइजेशन करनी है या इन्फ्लेशन को कम करना है और अपनी एक स्पेसिफिक लेवल या स्पेसिफिक रेंज के अंदर रखना है तो किस टाइप की पॉलिसी अडॉप्ट करे वट पॉलिसी शुड बी इंप्लीमेंटेड रिड्यूस फ्लक्चुएशन इन आउटपुट एंड इन्फ्लेशन रेट इसका मतलब यह है कि पॉलिसी मेकर को एग्जैक्टली exactly पता होना चाहिए पॉलिसी से रिलेटेड वो जो पॉलिसी डिसीजन लेने लगा है उसका कितना इफेक्ट आएगा किस डायरेक्शन में इफेक्ट आएगा और कितने टाइम में इफेक्ट आएगा फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और मॉनिटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है और इंटरेस्ट रेट को 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1 परसेंट से बढ़ा वन परसेंटेज पॉइंट से बढ़ाती है इंटरेस्ट रेट को तो उसे पता होना चाहिए कि इसका इफेक्ट आउटपुट पे कितना आएगा इन्फ्लेशन पे कितना आएगा आउटपुट कम होगी या ज्यादा होगी इन्फ्लेशन रेट नीचे आएगा या ऊपर बढ़ेगा और और ये इफेक्ट कितने टाइम में आएंगे अब ये सारे जो क्वेस्चेंस हैं ये हमारे इस टॉपिक के क्वेस् हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी अब मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन अब हम इसको डिफाइन करते हैं पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का मतलब ये है है ये तो यह है कि मॉनिटरी कि पॉलिसी इफेक्ट करती है आउटपुट को या नहीं यह तो एक क्वेश्चन था अब अगला क्वेश्चन यह किस चैनल से करती है बात समझ आ गई यानी कि अगर मॉनिटरी पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करती है और वहां से आउटपुट और इन्फ्लेशन को इफेक्ट करती है तो एग्रीगेट डिमांड को किस चैनल से इफेक्ट करती है क्या ये कोई बीच में कोई और आ, इसके दरमियान ब्रिजिंग वेरिएबल्स नहीं है यानी कि ऐसा तो नहीं है कि इंटरेस्ट रेट इधर बढ़ा उधर एग्रीगेट डिमांड कम हो गई बीच में कोई चैनल होगा बीच में कुछ और वेरिएबल्स होंगे जो चेंज होते हैं और उनके नतीजे में एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है तो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में हम उन्हीं चैनल्स पे फोकस करना चाहेंगे कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज चेंज इन इंटरेस्ट रेट आर मॉनिटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट एंड डेफिनेटली इट विल इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड बट देयर आर सम ब्रिजिंग वेरिएबल्स जिसका मतलब यह है कि वो वेरिएबल्स जो इंटरेस्ट रेट की वजह से चेंज होते हैं और उनके नतीजे में एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है तो उन वेरिएबल्स को बीच में लाना ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल में इस तरह का टॉपिक डिस्कस नहीं होता अब अगर आपको याद हो तो हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल की जब बात करते भी थे तो उसमें हमेशा हम इंटरेस्ट रेट को बीच में लाते हैं इसका मतलब यह है कि जो हम बीच में चैनल्स की बात कर रहे हैं उसमें एक चीज है ट्रेडिशनल इंटरेस्ट रेट चैनल इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे लेकिन अभी तक सिर्फ इतनी सी बात है कि वो जो हमारा पहले मॉडल था उसमें हम हमेशा ट्रेडिशनल इंटरेस्ट रेट चैनल की बात करते थे जो कि अगले लेक्चर में हम थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन इंटरेस्ट रेट के अलावा आपको पता है इंटरेस्ट रेट जो है ये दो तरह से आप इसे प्राइस कह सकते हैं नंबर वन आपको पता है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं इसको हमने पहले भी पढ़ा और आगे चल के कुछ लेक्चर्स के अंदर ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि बॉन्ड्स प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो इसका मतलब है आप इंटरेस्ट रेट को देखें तो इफेक्टिवली या इनडायरेक्टली आप बॉन्ड की प्राइसेस को देख रहे हैं तो इसका मतलब है बॉन्ड्स की प्राइसेस बीच में आ गई तो इंटरेस्ट रेट भी एक एसेट प्राइस हो गया या दूसरी तरफ आप यूं भी कह सकते हैं कि मनी भी एक एसेट है और आपको पता है इंटरेस्ट रेट मनी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जिसका मतलब यह है कि जब कोई बंदा मनी होल्ड करता है तो वो इंटरेस्ट रेट अर्न नहीं कर सकता क्योंकि मनी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता इसका मतलब यह है कि मनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और कॉस्ट से प्राइस डिटरमिन होती है तो आप यूं कह सकते हैं कि और दूसरी तरफ आप मनी बोरो करते हैं तो उसकी आप प्राइस क्या पे करेंगे बैंक्स को इंटरेस्ट रेट इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट मनी की प्राइस हो गई तो इसका मतलब है कि ये इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स के हवाले से देखें या मनी के वजह तरीके से देखें है बाहर आल एक एसेड की प्राइस तो क्या एक ही तरह की एसिड की प्राइस होती है जो कि ट्रेडिशनल मॉडल में या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल में हम हमेशा इंटरेस्ट रेट की का की बात करते थे या इंटरेस्ट रेट एक्सप्लिसिटली डिमांड सप्लाई मॉडल में हम नहीं लाते। आपके में आ रहा होगा कि पे पे एक दफा एक दफा जगह होता था और दूसरी पे हमारी होती थी। तो रेट है? रेट वो ब्रिजिंग है। मैंने पहले ही कहा था ट्रांसमिशन का मतलब यह है कि ब्रिजिंग को कि को करें। यानी अगर कोई चीज चेंज होती है तो किस वजह से चेंज होती है वेरिएबल के थ्रू चेंज होती है तो उसमें इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं दरमियान में पड़ा है जो कि हम अगले लेक्चर करते हैं उनमें से एक चैनल ट्रेडिशनल इंटरेस्ट रेट का चैनल है जो कि खुद एक एसेट प्राइस है लेकिन चूंकि दुनिया में या फाइनेंशियल मार्केट्स में या रियल इकोनॉमी में एसेट प्राइस एक नहीं होती ज्यादा होती हैं तो इसलिए हम अदर एसिड प्राइस का चैनल भी अब हम देखेंगे इसी तरीके से एक तीसरा जो ट्रांसमिशन चैनल का एक मेजर फील्ड uh, है वो है क्रेडिट व्यू और क्रेडिट चैनल इसका मतलब है ट्रांसमिशन तीन तरह के होते हैं ये पहले क्लियर कर लें क्योंकि अगले लेक्चर्स में हम ट्रांसमिशन चैनल्स को डिस्कस करेंगे तो ट्रांसमिशन चैनल्स तीन तरह के हो जाएंगे एक इंटरेस्ट रेट चैनल एक अदर प्राइस अदर एसेट्स प्राइस चैनल और तीसरा क्रेडिट चैनल या क्रेडिट व्यू तो चूंकि ये तीन टाइप के चैनल्स हैं इनमें से जो पहला इंटरेस्टेड चैनल है वो काफी हद तक हमने पहले भी हमें आइडिया है लेकिन हम डिटेल में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे लेकिन मैं अदर प्राइस चैनल को फर्दर बता दूं कि उसके अंदर फिर तीन सब चैनल्स होंगे जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे एक एक्सचेंज रेट चैनल है एक टोबिन क्यू थेरी है और एक वेल्थ इफेक्ट या वेल्थ चैनल है इसका मतलब है ये तीन सब चैनल्स हम पढ़ेंगे किसके अंदर अदर एसिड प्राइस चैनल के अंदर और फिर इसके बाद जो क्रेडिट व्यू या क्रेडिट चैनल है उसके अंदर हम फर्दर कई टाइप्स के सब चैनल्स पढ़ेंगे जिनमें है बैंक लैंडिंग चैनल जिनमें है बैलेंस शीट चैनल जिनमें कैश फ्लो चैनल अन एंटिसिपेटेड प्राइस लेवल चैनल और उसके बाद लास्ट पे आएगा हाउस होल्ड लिक्विडिटी इफेक्ट ये सब चैनल्स हैं क्रेडिट चैनल के अंदर तो मैंने इस लेक्चर में आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया कि ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या होता है उसके अंदर ब्रिजिंग वेरिएबल्स ब्रिजिंग वेरिएबल का मैं मतलब फिर क्लियर कर दूं कि इधर पॉलिसी चेंज हुई उधर फाइनल एग्रीगेट डिमांड चेंज हुई कैसे चेंज हुई बीच में भी तो कोई वेरिएबल्स चेंज हुए होंगे जिनकी वजह से एग्रीगेट डिमांड चेंज हुई वो बीच वाले वेरिएबल्स को मैं ब्रिजिंग वेरिएबल्स कह रहा हूं उन वेरिएबल्स के ऊपर अगर हम इफेक्ट देखेंगे पॉलिसी का तो ये ट्रांसमिशन चैनल बनता जाएगा कि ए बी को इफेक्ट करेगा बी सी को इफेक्ट करेगा सी डी को और डी अल्टीमेट वेरिएबल ई को इफेक्ट करेगा अगर फॉर एग्जाम्पल तो ये ट्रांसमिशन चैनल है ये हमने क्लियर किया कितने टाइप के ट्रांसमिशन चैनल हैं तीन मैंने वो बताए और फिर फर्दर दो के अंदर सब चैनल्स हैं चूकी तो मैंने आपको उनकी लिस्ट भी शो कर दी कि ये सारे सब चैनल्स मिला के हमारे ट्रांसमिशन चैनल दस तरह के तकरीबन बन जाएंगे ऑलमोस्ट तो हम इन सब को अगले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये चैनल्स हैं क्या थैंक यू